हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और कैसे आप सब लोग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम सब जस्ट अभी उठे हैं और सुबह सुबह बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। मैं तो बारिश की आवाज़ से ही उठी हूँ, वैसे नहीं उठ रही थी। वैसे मैं थोड़ा सा और सोती और फिर मैंने सोचा कि उठ जाना चाहिए। और मुझे तो रोज़ सुबह उठ के इतना सारा काम करना होता है गाइस, आप सभी को भी करना होता है क्या? जिस जिस को करना होता है वो मुझे कमेंट में बताना। A few moments later. मैंने नहा लिया है और खाना तो मैंने नहाने से पहले ही बना दिया था, सब काम टोटली फिनिश। वक्ती सब ने खाना भी खा लिया, बट मुझे पता नहीं क्यों आज भूख नहीं लगी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ मस्त। तो मेरी चाय अभी बन के रेडी हो रही है, मतलब बन रही है मेरी चाय। हमारे घर के बाहर जो जामफल का पेड़ है उसमें इतने सारे जामफल लगे हुए हैं। बेचारे वो कच्चे हैं, जब पक जाएंगे जब उन्हें खाएंगे, लेकिन जब वो पकेंगे जब अपने आप नीचे डूब के गिर जाते हैं और उन्हें मैं खा भी नहीं पाती। वैसे कुछ फ़ायदा नहीं इस पेड़ का मेरे खिड़की के इतने करीब होने का। खिड़की से कितना प्यारा व्यू आता है बाहर का। और आज की ब्रेकिंग और तड़कती भड़कती न्यूज़, तड़कती भड़कती तो नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं घर रिटर्न, क्योंकि भक्ति और शिव के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और मतलब मुझे उन्हें छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं खो जाएंगे तो मुझे उन्हें छोड़ने जाना पड़ेगा। आज जाने के 50% चांसेस हैं और कल जाने के 50% चांसेस हैं, मतलब हम लोग आज भी जा सकते हैं कल भी जा सकते हैं। अब वो फाइनल नहीं है, वो थोड़ी देर बाद फाइनल होगा, यानी अभी से एक या डेढ़ घंटे बाद, यानी बुग्गा के ऑफिस से आने के बाद फाइनल होगा कि हम लोग आज जाएंगे या कल जाएंगे। और इन दोनों के स्कूल खुले हुए 5 या 6 दिन निकल चुके हैं ना। कितने दिन निकल गए, कितने दिन निकल गए, किसी को है पता? 10 दिन। हाँ, और तुम लोगों को कोई चिंता है उस चीज़ की? दोनों को कुछ नहीं पड़ी, निकल गए निकल जाने दो। गाइस अभी अभी इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हुई है, पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि इन दोनों का लड़ना स्टार्ट हो गया है। मुझे जस्ट अभी पता चला जब इन लोगों की लड़ने की आवाज़ आई। क्या हो गया गाइस, तुम लोग लड़के हो रहे हो? ओ वेरी नाइस, कोई तो जीतो, कोई तो जीतो। उसने कहा उससे मत बोल, तुझे समझ नहीं आता एक बार में। वो तुझे रुला देगी, आए आए तुझे समझ। फाइनली यू आई कि हम लोग आज नहीं कल जाएंगे, क्योंकि मैंने रोक लिया है। पक्का वाला फाइनल हो चुका है, बिल्कुल डिसीजन डन है, कल तो पक्का जाएंगे ही। ऐसे कैसे जाएंगे? अभी हम सब लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो सबका कुछ खाने का मन है। और अभी हम सब लोग आ चुके हैं शेरवानी का सामान लेने के लिए। और अभी अंकल से हम ले रहे हैं सामान और इसको बस हर जगह फोन ही चलाना होता है। और अभी इस कट्टे को करते हैं ओपन, क्योंकि इसमें पूरे किराने का सामान है, फिर उसे मुझे सेट भी करना। मुझे उस सामान की डिब्बों से सेटिंग करानी है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग उठ चुके हैं और आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करना है, क्योंकि आज हम लोग फाइनली जाएंगे और हमारी ट्रेन है 5, मतलब हम लोगों को वहाँ 5 बजे पहुँचना है, 6 या 6:30 बजे, मुझे इतना क्लियर याद नहीं है। और आज बुक का भी हाफ डे है, तो बुक जल्दी आ जाएगा और फिर वो हम लोग को छोड़ने जाएगा स्टेशन। सो मुझे जल्दी से खाना बनाना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ आज। सो जल्दी से खाना बना के नहा के आते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद ब्लॉग में मिलेंगे। सो उससे पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक अभी कर दो, जस्ट अभी। और मेरी सारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दो, सारी शॉर्ट्स वीडियोस को और ब्लॉग को भी बहुत भर भर के प्यार दो। और अभी यहाँ सब्जी बन के रेडी हो रही है, अभी सब्जी को रेडी होने में 5 या 10 मिनट लगेंगे, जब तक मैं आराम से फ़ोन चलाती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद बनाऊँगी फिर मैं पराठे। अभी मैंने नहा लिया है, खाना भी खा लिया हम सब लोगों ने, और अभी करने वाले हैं हम सब लोग पैकिंग। कर रही है अपनी पैकिंग, इसकी मुझे करनी पड़ेगी, ये तो बस सारा दिन गेम कुछ कर लिया कर जिंदगी में।
सो यहाँ हम तीनों के बैग रेडी हैं। वहाँ से ये लोग बस एक बैग लेके आए थे, ये एक मेरा था और अभी भी एक मेरा है, बट इन लोगों ने यहाँ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग, इतने कपड़े खरीदे हैं कि इनके दो बैग हो गए हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। और अभी 5:30 बजने वाले हैं और हम लोग घर से निकलेंगे 6 बजे, और अभी तक वो घर नहीं आया है घर, और बारिश हो रही है, थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, बस जब हम लोग जाएँ जब कोई बारिश ना हो। तो अभी मैं दुकान जाके कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ हम सबके लिए, क्योंकि ट्रेन में मुझे बहुत कुछ कुछ खाने की आदत है। गाइस तुम लोगों को बुरा नहीं लग रहा है यहाँ से जाने, मतलब जा रहे हो तुम लोग? लग रहा है तुझे? नहीं लग रहा सीरियसली? और भक्ति को लग रहा है, पता है मुझे, है ना? मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है जबकि मैं 5 या 6 दिन बाद आ जाऊँगी। मेरे साथ हमेशा यही होता है, अगर मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तो मुझे यहाँ बुरा लगता है, अगर वहाँ से यहाँ आती हूँ तो मुझे वहाँ से आने में बुरा लगता है। तो अभी रमन नहीं आ रहा है, फाइनल हो चुका है, वो थोड़ा लेट आएगा, तो अभी हम लोग सब निकल रहे हैं। रमन से 1000 बार कहा था कि जल्दी जल्दी जल्दी, बट वो नहीं आ पाया। अब हम लोग चले बिना मिले। कभी कभी ये रमन मेरा बड़ा दिमाग ख़राब करके रख देता है। यहाँ आ चुकी है हमारी कैब, लोग बाय बाय कर दो इन लोगों को। शेफ शेफ सदमा में चला गया क्या? अभी हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, मैंने टिकट्स भी ले लिए हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और लग तो ऐसा रहा है कि पूरा इंदौर बस उसी ट्रेन से जा रहा है। सो अभी हम लोग आए थे इसके घर, है ना? रात में कितने बजे परेशान किया तुझे? 3:30। मेरे पास उस चीज़ की क्लिप नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन डिस था ना, मैं आप सभी को भी दिखाती, इसकी ऐसी हालत थी, चल ही नहीं पा रही थी ठीक से, इतनी जोर से दिन में थी। हम लोग अभी जाओ जाएंगे, यानी अभी से 1 घंटे बाद, और कल फिर से वापस आएंगे। मेरी ज़िंदगी में मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहीं होती रहती हूँ। सभी को मैं अभी बता दूँ कि कल का ब्लॉग और कल के बाद, बट कल का मोस्टली जो कल का ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। मेरे साथ सुबह सुबह बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, जिसे मतलब मुझे मिनी अटैक आ गया है, क्योंकि मेरा जो चार्जर है बेचारा वो ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे, बस एडाप्टर ख़राब हुआ है, केबल बिल्कुल सही है। तो आज मैं ले नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी 11 बजे बस है गाँव के लिए, और 11 से पहले दुकान नहीं खुलती है। सो चार्जर मिलेगा मुझे कल, आज मुझे कहीं से काम चलाना पड़ेगा। फिर से कल हम लोग अशोकनगर आएंगे, और क्या काम है क्या होगा कल वो आप सभी को कल के ब्लॉग में पता चलेगा। इसलिए आज के ब्लॉग से ही, मतलब अभी से इंतज़ार करें कल के ब्लॉग का, जो कि मोस्टली देखने वाला होगा, देखने लायक। तो आज का ब्लॉग मैं ये वाला यही एंड कर रही हूँ, कल वाले ब्लॉग में ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सभी प्लीज़ कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलना, और जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर भी करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो बाय गाइज, मिलेंगे कल। मनु बाय बोल दे। बाय।